नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 क्या है, ये चर्चा का विषय है, डिबेट का विषय है। सरकार इसे क्यों ला रही है, अभी 15 अक्टूबर 2024 तक इस पर रोक लगाई हुई है, स्टेक होल्डर्स को इसकी प्रति बांटी गई, कमेंट्स वगैरह मांगे गए, ऑनलाइन ये क्रिएटर्स है लॉ टू कंट्रोल यूट्यूबर्स के लिए ये कंट्रोल करने की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो भी ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस सरकार जारी करने जा रही है। राइट टू स्पीच पर रोक लगाने जैसी बात लोगों ने कही है। 15 अक्टूबर 2024 तक अभी इस पर रोक लगी हुई है, पहले ये 10 नवम्बर 2023 को ड्राफ्ट आया था, जो अभी 15 अक्टूबर 2024 तक इस पर रोक लगी हुई है। ये वास्तव में है क्या, ड्राफ्ट के बारे में बहुत तरह की बातें हो रही हैं। ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए एक टेलीविजन नेटवर्क 1995 की जगह सरकार के लाने की योजना है। इससे क्या होगा, लिमिटेड सब्सक्राइबर से ज्यादा होने पर सरकार इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए के यहाँ रजिस्ट्रेशन इसमें कराना आवश्यक होगा। सरकार हितैषी लोगों को, ऐसा लोगों का कहना है कि अपने अपने लाइसेंस देगी, इसमें भेदभाव होगा। कंटेंट क्रिएटर्स 1 महीने के भीतर सरकार को इसमें जानकारी देंगे, इसके लिए अलग से पूरी मशीनरी होगी, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम रखा जाएगा, OTT कंटेंट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी भी होगी। एक्चुअल ड्राफ्ट जब सामने आएगा तब स्थिति स्पष्ट होगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मूल अधिकार का इससे हनन होगा, लेकिन इसके लिए अदालतें वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, आर्टिकल 30 के अगेंस्ट ये होगा ऐसा कहा जा रहा है, शून्य होगा, जिसके लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाया जा सकता है। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, रिट के माध्यम से इसके उपचार को प्राप्त किया जा सकता है आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जरिए से। तो अभी ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 चर्चा का विषय है, 15 अक्टूबर आने वाला है, लॉ टू कंट्रोल यूट्यूबर्स ऑनलाइन क्रिएटर्स और कंटेंट बनाने वालों के लिए ये बिल सरकार लाने जा रही है, यह आपको जानना चाहिए। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट टू स्पीच पर कितनी रोक लगेगी, यह आने वाला समय बताएगा। इस विषय पर अभी डिबेट जारी है और ये एक चर्चा का विषय है। कोई कमेंट्स हों तो उसे मेरे चैनल पर कमेंट्स कीजिए, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो में यहीं तक, ऐसी नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।